हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज़ के बारे में। दोस्तों, जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके अंदर सबसे ऊपर F1 से F12 तक हमारी कीज़ बनी होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि किस की से क्या फंक्शन परफॉर्म होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी की होती है F1। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड में F1 प्रेस करते हैं तो जो हमारा हेल्प का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है, और यहाँ पे हम जो भी हेल्प चाहते हैं वो लिखकर के रिगार्डिंग हम यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट की होती है वो होती है F2। अगर हम अपने किसी भी सेल में एडिट करना चाहते हैं तो हम जस्ट उस सेल पर जाकर F2 की को प्रेस कर सकते हैं और हम एडिट मोड में आ जाएंगे। अब हम यहाँ से सपोज़ मैं इसकी जो सरनेम है वो रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से उसका सरनेम रिमूव कर दिया। और अगर हम किसी सेल पे जाके डबल क्लिक करते हैं तो उससे भी हम उस सेल के एडिट मोड में जा सकते हैं और उस सेल के अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टकट किया दोस्तों F3। F3 से हम पेस्ट नेम रेंज का फॉर्मूला करवा सकते हैं, बट नेम रेंज का फॉर्मूला हम तभी पेस्ट करवा सकते हैं जब हमने कोई क्रिएट करा हो। तो सबसे पहले मैं एक नेम रेंज क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज़ मैं ये जो मेरी IDs हैं इसकी एक नेम रेंज क्रिएट करता हूँ। तो मैंने अपनी IDs जहाँ पर लिखी हैं वो सारे सेल सेलेक्ट करे, तब मैंने कंट्रोल F3 प्रेस करा। यहाँ पे आके मैंने न्यू क्रिएट करा और मैंने इसका नाम ID ही रहने दिया और ओके कर दिया। तो ये मेरी एक नेम रेंज बन गई है। अब मैं अपनी इस नेम रेंज को पेस्ट करवाना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैं इस सेल में आया और मैंने F3 प्रेस करा, तो यहाँ पर इसने मुझे दिखाया जो जितनी भी मेरी अवेलेबल नेम रेंज है ये सारी मुझे यहाँ दिखा देगा। अभी मेरी शीट में एक ही नेम रेंज है ID की, तो इसने मुझे वो दिखाया। अगर मैं उसकी लिस्ट पेस्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं पेस्ट लिस्ट पर क्लिक करूँगा और ये मुझे, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये मुझे दिखा देगा कि अभी इस शीट में एक ID की नेम रेंज क्रिएट है जो कि E2 से E11 तक है। यानी इसके अंदर सबसे पहले शीट का नाम आता है, तो मेरी शीट का नाम शीट 1 है, और उसके बाद E2 से E11 यानी कि इस रेंज में मैंने एक नेम रेंज क्रिएट कर रखी है ID नाम से। और अगर मैं अपनी ये नेम रेंज ही पेस्ट करवाना चाहता हूँ तो मैंने दोबारा से F3 प्रेस करा और मैं ID पे गया और मैंने ओके कर दिया, तो इसने मुझे इक्वल टू ID दिखाया जो कि इसके बराबर है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे वो सारी वैल्यूज़ पेस्ट करवा देगा जो भी मेरी नेम रेंज के अंदर हैं। मैं अभी इसे हटा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, हमारी जो शॉर्टकट की है वो है F4। F4 से दोस्तों जो भी हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म करा है ये उसको रिपीट कर देता है। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ से इस ID को कॉपी करा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अब मैं अगर इस ID को किसी और सेल में भी पेस्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं जस्ट वो सेल सेलेक्ट करूँगा और F4 की प्रेस कर दूँगा, तो जो हमारी F4 की होती है वो हमारा लास्ट एक्शन रिपीट करती है। उसके बाद दोस्तों, F5 से हम अपना गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। मैंने जैसे ही F5 की प्रेस करी मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों जो हमारी नेम रेंजेस होती हैं ये वो भी दिखाता है। जैसे सपोज़ अगर मैं ID को यहाँ से सेलेक्ट करके और ओके करता हूँ तो जो भी मेरी ID की नेम रेंज थी इसने उस पूरे को सेलेक्ट कर लिया। और अगर मैं किसी सेल पे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाके उस सेल की रेफरेंस लिखूँगा। जैसे सपोज़ मैं A100 पे जाना चाहता हूँ तो मैंने A100 लिखा और ओके कर दिया, तो ये मुझे A100 सेल पे ले आया। उसके बाद दोस्तों, जो हमारी शॉर्टकट की है वो है F6, जिससे हम चेंज पेन कर सकते हैं। दोस्तों आप ध्यान से देखना, जो मेरा अभी सेलेक्टेड पेन है वो ये शीट है। जैसे ही मैंने F6 प्रेस करा जो मेरा सेलेक्शन पेन था वो शीट हो गया, और जैसे ही अब मैं दोबारा F6 प्रेस करूँगा तो जो मेरा सेलेक्शन पेन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये मैंने F6 प्रेस करा, वो यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं दोबारा F6 प्रेस करूँगा तो वो ऊपर चला जाएगा। मैंने जैसे ही F6 प्रेस करा तो वो यहाँ पर आ गया। तो इससे हम अपना जो हमारा सेलेक्शन पेन है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ आ गया और फिर ये ऊपर आ गया, तो F6 से हम अपना चेंज पेन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, स्पेल चेक। अगर हम अपनी शीट के अंदर हमने जो भी डेटा लिखा है उसकी स्पेलिंग चेक कराना चाहते हैं तो हम F7 की प्रेस करते हैं, और जितनी भी इस वर्ड्स जो इसे लगता है कि जिनकी स्पेलिंग गलत है वो हमें यहाँ पे एक एक करके शो करता रहता है। और हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस स्पेलिंग को करेक्ट करना चाहते हैं या हम उसको इग्नोर करना चाहते हैं। तो अगर मैं इग्नोर वंस कर दूंगा, उसके बाद इसने मुझे दूसरा नाम दिखाया। और अगर मैं इग्नोर ऑल करना चाहता हूँ यानी कि इसकी जितनी भी अकरेंस है ये उसे इग्नोर कर दे, और अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस चेंज पे क्लिक कर दूँगा तो ये उस नाम को जो भी यहाँ पे सजेशन आया था उससे चेंज कर देगा। तो F7 की हेल्प से हम अपना स्पेल चेक करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है F8। इससे हम अपना जो भी सिलेक्शन है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं विदाउट
यूजिंग माउस, जैसे सपोज मैं आईडी वाले कॉलम की हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं अपने माउस को छोड़ देता हूँ और फिर मैं F8 की प्रेस करता हूँ। अब जो मेरे कीबोर्ड में एरोस की हैं, मैं उनकी हेल्प से अपने डेटा को जहाँ तक भी चाहूँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो हमारा F8 की है वो हमें ये हेल्प करता है कि अगर हम अपने किसी भी डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं विदाउट इवन यूजिंग माउस और विदाउट इवन यूजिंग कंट्रोल, हमें जस्ट किसी भी सेल पे आके F8 को प्रेस करना होता है और हम उसके बाद अपनी एरोज की से अपने डेटा को लेफ्ट या राइट में जाके और अपनी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ, तो मैं इससे बाहर आ गया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास होता है F9 की कैलकुलेट ऑल। ये दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे सपोज अगर मैं ये जितने मेरे आर्स लिखे हैं मैं इनका सम करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे नीचे आके ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करूँगा। ऑल्ट इक्वल टू दोस्तों शॉर्टकट की होती है सम करने की, मैंने एंटर कर दिया। अब क्या है दोस्तों, अभी अगर मैं यहाँ पर कोई भी सेल में जाके उसमें जो नंबर लिखा है उसको चेंज करूँगा, जैसे सपोज मैं इस 10 को 15 करता हूँ, तो जो मेरा सम है वो अभी ऑटो चेंज हो रहा है क्योंकि जो इसकी कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक है। बट अगर मैं इसकी कैलकुलेशन को मैनुअल कर देता हूँ, जैसे सपोज़ मैं फाइल टैब में गया, उसके बाद मैंने ऑप्शंस में गया, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है वर्कबुक कैलकुलेशन, अगर मैं इसे मैनुअल सेलेक्ट करके और ओके कर देता हूँ, तो अब अगर मैं किसी भी सेल में जाके कोई नंबर चेंज करूँगा तो वो ऑटो सम नहीं होगा। जैसे सपोज़ मैं इसको 15 की जगह 20 कर देता हूँ, तो जो सम मेरा 115 था वो अभी भी 115 ही है। अगर मैं किसी और भी आर्स को चेंज करता हूँ, सपोज़ मैं इस 10 को 30 कर देता हूँ, तो भी वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि अब जो कैलकुलेशन है वो मैंने मैनुअल कर दी है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये अभी भी जो करंट समय वो दिखाए, तो यहाँ पर मुझे F9 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने F9 प्रेस करा, जो रियल में इन सबका सम बनता है इसने मुझे वो शो कर दिया। तो अगर हमारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हमें अपनी कैलकुलेशन हमने मैनुअल कर रखी है तो हमें F9 की हेल्प से हम अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है F10 की। F10 से दोस्तों हम मेन्यू को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने सिस्टम में ऑल्ट की प्रेस करते हैं तो इन सब के नीचे एक एक की बनी आ जाती है, जो भी इन मेन्यूज़ पर जाने की शॉर्टकट की है। वही सेम चीज़ हम F10 से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने F10 प्रेस करा तो सबके नीचे एक की बनी आ गई कि अगर हम किसी भी टैब पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम, जैसे सपोज़ अगर मैं डेवलपर टैब पे जाना चाहता हूँ तो मैं L प्रेस करूँगा और वो डेवलपर टैब पे आ जाएगा। उसके बाद मैं उसके जिस भी ऑप्शन पे जाना चाहता हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग में की प्रेस कर सकता हूँ और उस ऑप्शन पे जा सकता हूँ। तो यानी जो हमारी एक्टिवेट मेन्यू की होती है F10, वो सेम होती है जो कि हम ऑल्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं, वही हम सेम F10 की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बारी आती है F11 की। F11 की दोस्तों न्यू चार्ट बनाने के लिए होती है। जैसे सपोज ये मेरी एक टेबल है, इसमें मैं अगर किसी भी सेल पे आके F11 प्रेस करता हूँ, मैंने F11 प्रेस करा, एक इसने मेरी चार्ट शीट इंसर्ट कर दी और एक इसने मुझे चार्ट प्रोवाइड कर दिया। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जो हमारी लास्ट की है वो है F12, उससे हम ओपन कर सकते हैं अपना सेव एज डायलॉग बॉक्स। सपोज़ मैं इस शीट को सेव करवाना चाहता हूँ तो मैं F12 की प्रेस करूँगा और यहाँ से ये मुझे दिखा देगा कि मैं अपनी शीट का नाम चेंज करना चाहता हूँ या मैं उसका टाइप चेंज करना चाहता हूँ और मैं उसे किस लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ। तो F12 की हेल्प से हम सेव एज का जो हमारा डायलॉग बॉक्स होता है उसे ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी F1 से F12 तक शॉर्टकट कीज। तो अगर आप इस वर्कबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं।